नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। सोनू दहेज की बलि पर फिर चढ़ी एक विवाहिता। ससुराल वालों ने जहर खिलाकर किया विवाहिता की हत्या। ससुराल वाले फरार। सोनू थाना क्षेत्र अंतर्गत बटिया बाजार की घटना। मौके पर पहुंची सोनू पुलिस। बटिया बाजार निवासी ब्रह्मदेव साह का द्वितीय पुत्र धर्मेंद्र साह उर्फ कारू साह का विवाह पिछले 02 वर्ष पूर्व चकाई बाजार निवासी विजय साह की पुत्री शिवानी कुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से किया गया था। शिवानी के पिता अपनी पुत्री की शादी में यथाशक्ति उपहार दिया था। शादी के उपरांत शिवानी को एक नन्ही सी पुत्री हुई, लेकिन बीती रात ससुराल वालों ने शिवानी की हत्या कर दी। बुधवार की अहले सुबह अपनी पुत्री की हत्या की खबर मिलते ही सपरिवार बटिया बाजार पहुंचे तो वहां पर देखा कि पुत्री शिवानी बेड पर मृत पड़ी हुई है एवं ससुराल वाले घर में ताला बंद कर भाग निकला है। घटना को लेकर शिवानी के पिता ने ससुराल वालों पर अपनी पुत्री की हत्या का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन सोनू पुलिस को दी है। आवेदन में शिवानी के ससुर ब्रह्मदेव साह, सास कुसुम देवी, भयंसुर संजय साह, बड़ी गौतनी नाम नामालूम तथा दामाद धर्मेंद्र साह पर अपनी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप में यह बताया गया है कि ससुराल वाले मेरी पुत्री के साथ हमेशा मारपीट करते थे, जिसके लिए की बार आकर इन्हें समझाने का प्रयास किया था, लेकिन शिवानी को नन्ही सी पुत्री की प्राप्ति होने के उपरांत ससुराल वालों ने हमेशा 50,000 रुपए अपने मायका से मांग कर लाने का दबाव देते हुए मारपीट करते थे, लेकिन मैं एक गरीब पिता अपने दामाद की मांग को पूरा नहीं कर सका और अंततः ससुराल वालों ने मिलकर मेरी पुत्री को जान से मार डाला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोनू पुलिस ने पंचनामा तैयार करते हुए शव को कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर भेज दिए। बताते चलें कि पिछले वर्ष 2018 में चरका पत्थल थाना क्षेत्र के रजौन गांव निवासी एक विवाहिता की हत्या बटिया बाजार में कर दिया गया था।